Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. So हम क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स को हम स्टडी कर रहे थे. आज हमारा थर्ड लेक्चर है. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो. बाकी अकाउंटिंग टर्म हमारी क्या क्या होती है टर्मिनोलॉजी. ओके, सो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग टर्म. ओके, आज आपका सारा कवर हो जाएगा. जो भी अकाउंट्स के अंदर टर्म हम यूज करते हैं वो सारा कवर अप हो जाएगा मोस्टली. सो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली आज हमारी टर्म है कि गुड्स. गुड्स का मतलब क्या होता है? ओके, गुड्स का मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या होता है कि कोई भी थिंग हम जो परचेज करते हैं. ओके, परचेज करते हैं फॉर द रीसेलिंग पर्पज के लिए. कोई भी चीज हम जो परचेज करते हैं रीसेलिंग पर्पज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं. अब जैसे कि कोई भी फर्नीचर डीलर है या फिर कोई भी स्टेशनरी डीलर है, एनी फर्दर आप कोई भी डीलर लगा सकते हो, शॉपकीपर डीलर है, कोई भी डीलर है जो कि गुड्स को क्या करता है? रीसेल करता है. अब एक मान लो फर्नीचर डीलर है, उसके लिए जो भी टेबल है, चेयर है, ये सारा क्या है, क्या बोलेंगे इसको हम? गुड्स बोलते हैं हम, गुड्स. एंड मान लो कि कोई भी स्टेशनरी डीलर है, स्टेशनरी डीलर क्या रखता है? स्टेशनरी डीलर लाइक बुक्स, पेन एटसेट्रा, इसको हम क्या बोलेंगे फिर? गुड्स बोलेंगे. ओके, जो भी किसी भी प्रकार का बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहा है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट हम अभी करते हैं कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट होती है जो पेमेंट हमने की है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले. जो भी हम पेमेंट करते हैं किसी अदर पर्सन को, जब हम पेमेंट करते हैं एंड उसके बदले में हमें क्या रिसीव होता है? या तो गुड्स रिसीव होते हैं या फिर सर्विसेज रिसीव होती है, तो वो क्या होती है? हमारी कॉस्ट होती है. ओके, कि अगर मान लो कि हमने कोई भी मशीनरी परचेज की है तो हम क्या पे करते हैं? कुछ पैसे पे करते हैं. जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं दैट इज अवर कॉस्ट. ओके, वो आ जाता है हमारा कॉस्ट में. लाइक अगर अकाउंटिंग टर्म की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर हम मशीनरी को परचेज करते हैं तो जो हमने अमाउंट पे किया है वो अमाउंट प्लस हमारा फ्राइट प्लस हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो सारा इंक्लूड होके हमारी मशीनरी की कॉस्ट फाइंड आउट होती है. नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करती हूँ वाउचर. अब बात करते हैं कि वाउचर क्या होता है. वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक वाउचर प्रिपेयर किया जाता है उसके ऊपर ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होते हैं. एंड जो वाउचर होता है वो डिफरेंट फॉर्म का डिफरेंट वाउचर होता है. वाउचर के अंदर हम डेट को इंक्लूड करते हैं, सीरियल नंबर इंक्लूड होता है, अमाउंट इंक्लूड होती है, ये सब सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है? वाउचर के अंदर इंक्लूड होती है. एंड वाउचर के बेस पर ही फर्दर हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं. अब जो वाउचर होता है फर्दर टू टाइप का होता है, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर. आपके आगे ये लेसन है उसके अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे. अभी आपको ओनली बेसिक टर्म को समझना है कि वाउचर होता क्या है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है? जनरली जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं और अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है तो हम क्या डिमांड करते हैं? हम डिस्काउंट का डिमांड करते हैं कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए. अब जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या होता है? कुछ रिबेट या अलाउंस मान सकते हो आप जो कि सेलर देता है किसी भी बायर को. अब अगर हम बेसिकली डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट टू टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है एंड कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस रहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है एंड कौन सा कैश डिस्काउंट है? तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं तो ट्रेड डिस्काउंट हमें कब रिसीव होता है? ट्रेड डिस्काउंट हमें रिसीव होता है जब हम कोई भी गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं. बल्क परचेज,
जब हम किसी भी गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं, यानी कि एक या दो परचेज ना करके हम 50 या 100 यूनिट परचेज करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। एंड ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में या फिर हम ट्रांजैक्शन में जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करते। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब सेलर आपकी इमीडिएट पेमेंट करवाने के लिए जो डिस्काउंट आपको देता है, दैट इज कैश डिस्काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। लाइक आपको मान लो कि बोल देते कि अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो मैं आपको कितने परसेंट डिस्काउंट दे दूंगा? 2% डिस्काउंट दे दूंगा, 5% डिस्काउंट दे दूंगा। ओके, तो ये जो टर्म होती है, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के द्वारा, दैट इज कैश डिस्काउंट। और इस कैश डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले जो भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते थे हमारे? जो भी सारे टैक्सेस को इंक्लूड करते थे, लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्सेस ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, जो ये सारे टैक्सेस थे इनको सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, दैट इज जीएसटी। अब जीएसटी बना दिया गया, जब हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं देन हम जीएसटी पेड करते हैं, पेड जीएसटी। एंड जब हम कोई भी गुड्स को सेल करते हैं एट दैट टाइम जीएसटी कलेक्ट, उस टाइम हम क्या करते हैं? जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं फर्दर बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स टर्म अगर मैं बात करूं बैड डेट्स की, बैड डेट्स हम उन पर्सन को बोलेंगे जो पर्सन आपकी पेमेंट नहीं की, यानी कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि उनको बोलते हैं हम जिन डेटर्स ने हमारा अभी तक पैसा नहीं दिया है, उनको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। लाइक आपने अपने फ्रेंड्स को पैसे दे दिए और फ्रेंड्स क्या आपके पैसे वापस करते हैं? नहीं करते ना, तो दैट इज क्या होता है? वो हमारा बैड डेट्स की वो अमाउंट तो हमारे पास वापिस नहीं आएगी। ओके, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, जो कि हमारी इररिकवरेबल होती है, जो हमारी रिकवर नहीं हो सकती, यानी कि वो अमाउंट जो हमारी वापस नहीं आ सकती। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसॉल्वेंट की। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट इज दैट पर्सन हु इज नॉट द पोजीशन टू पे द अमाउंट। वो पर्सन जो कि आपकी अमाउंट पे करने की पोजीशन में ही नहीं है, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। मान लो कि अगर वो काम करता था, अगर कोई भी वो बिजनेस करता था एंड उसका बिजनेस जो है वो पूरा लॉस में चला गया, तो वो आपकी पेमेंट करने के लिए एबल ही नहीं है। दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, या फिर इंसॉल्वेंट अगर कंपनी पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है तो इंसॉल्वेंट कंपनी बोल देते हैं हम। अब बात आती है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट का मतलब हुआ कि दैट पर्सन हु पोजीशन इन पे द अमाउंट, कि वो पर्सन जो कि आपकी पेमेंट करने की पोजीशन में है एंड वो आपको पेमेंट कर देगा, दैट पर्सन इज सॉल्वेंट पर्सन। अब बात करते हैं स्टोर्स की। स्टोर्स क्या होता है? कुछ मटेरियल हमारी जो कंपनी में होता है, वो मटेरियल हम रीसेलिंग पर्पस के लिए नहीं होता बल्कि हमारे कंजप्शन के लिए होता है, जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल हो गया या फिर कुछ स्पेयर पार्ट्स हो गए। तो जो वो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो हमारी, उसको हम बोलते हैं स्टोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो रीसेलिंग पर्पस के लिए नहीं होता, वो हमारे कंजप्शन के लिए होता है, ओनली फॉर कंजप्शन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटिटी की। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि फर्म जो होती है वो लीगल एंटिटी होती है, तो लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो फर्म होती है और जो ओनर होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्म और ओनर सेम नहीं होते। जो फर्म होती है उसका नाम अलग चलता है। लाइक अगर बैंक में अगर हम अकाउंट मेंटेन करवाते हैं तो हम फर्म के नाम पे करवाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ?
उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से काम कर रही है एंड जो ओनर होता है वो अलग होता है, उसी को हम बोलते हैं एंटिटी। की जो बिजनेस होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट टर्म इज टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, जो पूरे जो वन ईयर की हमारी जो सेल होती है अगर उसको हम सारे को टोटल करते हैं एंड जो अमाउंट आती है दैट इज अवर टर्नओवर। टर्नओवर जो होता है वो हमारा ईयरली होता है, यानी कि एक पूरा पीरियड के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, होप सो आपको सभी टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी एंड हमने ऑल ओवर सारी टर्म्स को स्टडी कर लिया है। एंड अगर आपने और वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप अकाउंट्स की नॉलेज लेते रहे। थैंक यू एवरीवन।